हेलो गाइज, आप सब कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी कोई बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, हम आप लोग के बीच लेकर आ गए हैं जीव विज्ञान का महामैराथन क्लासेस। अगर दोस्तों आप लोग जेटेट 2024 का तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो आपके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इस वीडियो में हम लोग टोटल 100 प्लस प्रश्न देखेंगे दोस्तों, और सारा जीव विज्ञान से रहेगा। ठीक है, सारा जीव विज्ञान से रहेगा, और जितना ही प्रश्न हम यहाँ पर लिए हैं दोस्तों, सारा प्रश्न एनसीईआरटी बेस्ड पे है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आपको भी पता है जेटेट में आप लोगों को जो प्रश्न पूछा जाता है साइंस से, सारा एनसीईआरटी से पूछा जाता है। इसीलिए हम जितना भी यहाँ पर प्रश्न को सिलेक्ट किए हैं, सारा प्रश्न दोस्तों एनसीईआरटी बेस्ड है। ये वीडियो का नाम हम महामैराथन क्लास इसलिए दिए हैं दोस्तों, क्योंकि हम इसमें संपूर्ण बायोलॉजी पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम जल्दी से आज का वीडियो को शुरुआत करते हैं। हम आप लोग से बिल्कुल समय नहीं लेंगे, ठीक है दोस्तों, क्योंकि हम सभी को पता है कि एग्जाम बहुत ही जल्द लेने वाला है, इसीलिए हम लोग थोड़ा सा स्पीड में करेंगे। ठीक है, जैसे ही हम प्रश्न शुरुआत करेंगे दोस्तों, सारा प्रश्न स्पीड में पढ़ेंगे और बहुत ही कम समय में सारे प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, आज का जो पहला प्रश्न है वो आपके स्क्रीन पे आ चुका है। पहला प्रश्न दोस्तों, कौन सा बीज द्विबीजपत्री है? एक सेकंड, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों। देखिए, इसका जो स्पेलिंग होगा दोस्तों इस तरह होगा, ठीक है, द्विबीजपत्री, इस तरह। ठीक है, द्विबीजपत्री। और लोग बताइए कौन सा बीज द्विबीजपत्री है? दोस्तों आप लोग याद कर लीजिएगा, जो मटर होता है ये द्विबीजपत्री होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर दो। क्वेश्चन नंबर दो है, नारियल का कौन सा भाग खाया जाता है? नारियल का कौन सा भाग खाया जाता है? तो आप लोग याद करें तो नारियल का भूर्ण कोष भाग खाया जाता है, भूर्ण कोष भाग खाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न, अगला है क्वेश्चन नंबर तीन, आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? दोस्तों प्रश्न पूछा जा रहा है कि आलू का कौन सा भाग खाया जाता है। दोस्तों आलू का जो लोग भाग खाते हैं वह है तना, ठीक है, तना खाते हैं, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब भी आप लोग आंसर करेंगे दोस्तों, आप लोग को ऑप्शन पे भी ध्यान देना है, ठीक है, ऑप्शन में किस प्रकार से लिखा हुआ है, उसके बाद आप लोग को आंसर देना है। नेक्स्ट चलते हैं अगला प्रश्न, अगला है क्वेश्चन नंबर चार। देखिए, क्वेश्चन नंबर चार है, नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? दोस्तों याद करिएगा, नाशपाती का गुद्देदार, ठीक है, गुद्देदार पुष्पासन भाग खाया जाता है, ठीक है, गुद्देदार पुष्पासन भाग को खाया जाता है, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन का पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला है क्वेश्चन नंबर पाँच। देखिए, गाजर किस प्रकार की जड़ है? गाजर किस प्रकार की जड़ है? दोस्तों जो गाजर होता है वह शंकुरूप प्रकार की जड़ है, यानी कॉनिकल, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पाते हैं, अगला प्रश्न है, राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं? दोस्तों देखिएगा, राइजोबियम जो जीवाणु होते हैं वो पाया जाता है दलहन की जड़ पर, ठीक है, दलहन की जड़ पर, ऑप्शन नंबर बी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं अगला प्रश्न, अगला है क्वेश्चन नंबर सात। देखिए, क्वेश्चन नंबर सात है, प्याज का कौन सा भाग खाया जाता है? दोस्तों प्याज का ये मांसल पत्र खाया जाता है, ठीक है, मांसल पत्र खाया जाता है, दोस्तों ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर, ठीक है, मांसल पत्र को खाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते अगला प्रश्न, अगला है क्वेश्चन नंबर आठ। देखिए, पुमंग की इकाई है? दोस्तों पुमंग की जो इकाई वह है पुकेसर, ठीक है, पुंकेसर होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते अगला प्रश्न, अगला है क्वेश्चन नंबर नौ। देखिए, क्वेश्चन नंबर नौ है, जब परागण की क्रिया कीटों द्वारा हो तो उसे कहते हैं? दोस्तों जब परागण की क्रिया कीटों द्वारा हो तो उसे कहते हैं? दोस्तों उसे कहा जाता है एंटोमोफिली, ठीक है, ऑप्शन का सी वाला राइट आंसर, ठीक है,
एंटोमोफिलिया, ठीक है, एंटोमोफिलिया कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। जायगोट होता है, जायगोट होता है दोस्तों, यानी युग्मनज होता है दोस्तों, ये होता है द्विगुणित होता है, ठीक है, द्विगुणित, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, द्विगुणित, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग इधर उधर हो जाता है, देखिए द्विगुणित इस प्रकार लिखा है, ठीक है, द्विगुणित, इस तरह द्विगुणित, ठीक है, द्विगुणित होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, अगला है क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, द्वितीयक वृद्धि में पौधे, दोस्तों द्वितीयक वृद्धि में पौधे, देखिएगा द्वितीयक वृद्धि में पौधे दोस्तों मोटाई में वृद्धि करते हैं, मोटाई में वृद्धि करते हैं, ठीक है, मोटाई में वृद्धि करते हैं। देखिए ये लिखा है दोस्तों द्वितीयक, इस तरह लिखा है, ठीक है, द्वितीयक इस तरह के, ठीक है, द्वितीयक वृद्धि में पौधे दोस्तों मोटाई में वृद्धि करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते अगला प्रश्न, अगला है क्वेश्चन नंबर 12। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से निकलता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से निकलता है? दोस्तों देखिएगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो ऑक्सीजन निकलता है वो पानी से निकलता है, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन पानी से निकलता है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रकाश संश्लेषण होता है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण केवल और केवल दिन में होता है, ठीक है, केवल और केवल दिन में होता है प्रकाश संश्लेषण, दोस्तों प्रकाश मिलेगा तभी तो होगा, तो सूर्य सिर्फ दिन में ही उगता है, ठीक है, इसलिए केवल दिन में होगा, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर है, ठीक है, रात्रि में नहीं होगा, दिन रात नहीं होगा, दिन में तो होगा बट रात में नहीं होगा, तो ये भी क्वेश्चन, ये ऑप्शन चला गया, दिन में अथवा रात्रि में ये भी ऑप्शन चला गया, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है दोस्तों? देखिएगा वो गैस है CO2, ठीक है, CO2 गैस दोस्तों आवश्यक है, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, अगला है क्वेश्चन नंबर 15। प्रकाश संश्लेषण होता है दोस्तों, देखिएगा प्रकाश संश्लेषण जिसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है, जिसमें क्लोरोप्लास्ट होता है दोस्तों उसी में प्रकाश संश्लेषण होता है, ऑप्शन क्वेश्चन का बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न, अगला है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है कौन सा रंग में होता है दोस्तों? देखिएगा वो रंग है लाल रंग, ठीक है, लाल रंग में होता है, ऑप्शन ऑप्शन का पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, एड्स का कारण है, एड्स का कारण क्या होता है दोस्तों? एड्स का जो कारण होता है वो होता है वायरस, ठीक है, वायरस, ऑप्शन ऑप्शन का डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पाते हैं, और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है? निम्नलिखित में से कौन विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है दोस्तों? तो हो जाएगा पोलियो, ठीक है, हो जाएगा पोलियो, ऑप्शन क्वेश्चन का सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न, अगला है क्वेश्चन नंबर 19। पोलियो का टीका सबसे पहले तैयार किया, पोलियो का टीका सबसे पहले तैयार किया, किसने तैयार किया दोस्तों? देखिएगा पोलियो का टीका सर्वप्रथम जो तैयार किया था उनका नाम है जॉन साल्क ने, ठीक है, जॉन साल्क ने, ऑप्शन क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 20। एंटीबायोटिक एम्पीसिलिन, ठीक है, एंटीबायोटिक एम्पीसिलिन दोस्तों, ये इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ये बैक्टीरिया से प्राप्त होता है, ठीक है, एंटीबायोटिक एम्पीसिलिन दोस्तों बैक्टीरिया से प्राप्त होता है, ठीक है, बैक्टीरिया से प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कितने दिनों के भीतर लगाना चाहिए? बीसीजी, ठीक है, बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कितने दिनों के भीतर लगाना चाहिए दोस्तों? ये रखेगा 7 दिनों के अंदर, ठीक है, 7 दिनों के अंदर, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है,
वाष्पोत्सर्जन की क्रिया बढ़ जाती है। दोस्तों वाष्पोत्सर्जन की क्रिया प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर, हाँ इसमें भी बढ़ता है, तापमान के वृद्धि होने पर ये भी हो जाएगा, जब प्रकाश वृद्धि तापमान वृद्धि होगा, तेज हवा चलने पर भी, यानी सभी हो जाएगा। ठीक है, सभी यहाँ जो भी तीनों इसमें से कुछ भी होगा दोस्तों आपको वाष्पोत्सर्जन की क्रिया बढ़ेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। हैजोग के रोगाणुओं को फैलाते हैं। दोस्तों हैजोग के रोगाणुओं को फैलाते हैं वह है दोस्तों घरेलू मक्खी, वह है घरेलू मक्खी, घरेलू मक्खी ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 24। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा नहीं फैलता है, बैक्टीरिया द्वारा नहीं फैलता है। तो दोस्तों मलेरिया, मलेरिया दोस्तों बैक्टीरिया के द्वारा नहीं फैलता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 25 नंबर प्रश्न दोस्तों, एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं, एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं, तो देखेगा एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो हेल्पफुल लग रहा होगा या आप लोग को पसंद आ रहा होगा दोस्तों वीडियो, वीडियो को सभी को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है, सभी को एक बार दोस्त जरूर लाइक कर दीजिएगा, आप लोग कमेंट बताइएगा कि वीडियो आप लोग कैसा लगा, और साथ साथ में ये भी कमेंट कीजिएगा कि आप लोग को केमिस्ट्री का ही वीडियो चाहिए और फिजिक्स का ही वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, आप लोग सभी कमेंट कीजिएगा, आप लोग कमेंट देखकर लाइक देखकर हम वीडियो को बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, और जो भी हम यहाँ पर प्रश्न लिए हैं सारा एनसीईआरटी बेस है, आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देख सकते हैं, जेटेट का इसी प्रकार से प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है, डिप्थीरिया बीमारी प्रभावित करती है, डिप्थीरिया बीमारी प्रभावित करती है, देखिएगा गला को प्रभावित करती है, गला को प्रभावित करती है। ठीक है दोस्तों, देखिए और बोलना हम भूल गए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है दोस्तों, तभी मेरा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा, जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, तब लोग चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ दोस्तों बेल आइकन बटन को ऑन कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है, और साथ में मेरा टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, दोनों का लिंक हम इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इस चैनल में हम कम समय में बहुत अच्छे से तैयारी कराते हैं महामैराथन वीडियो लाकर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 27 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ट्रिपल एंटीजन के द्वारा प्रतिरक्षित नहीं होता, निम्नलिखित में से कौन सा ट्रिपल एंटीजन के द्वारा प्रतिरक्षित नहीं होता। दोस्तों हो जाएगा टाइफाइड हो जाएगा। ठीक है, टाइफाइड ऑप्शन का पहला राइट आंसर हो जाएगा। अगला है मशरूम है, मशरूम है दोस्तों, देखेगा मशरूम एक कवक है। ठीक है, मशरूम एक कवक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित बीमारियों में कौन सी बीमारी एलर्जिक प्रतिक्रिया के अंतर्गत आती है, निम्नलिखित बीमारियों में कौन सी बीमारी एलर्जिक प्रतिक्रिया के अंतर्गत आती है। तो दोस्तों दमा है, दमा बोला जाता है श्वसन रोग को। ठीक है, श्वसन रोग दोस्तों दमा बोला जाता है, यही वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दमा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं अगला प्रश्न, अगला दोस्तों देखिए अगला प्रश्न है 30 नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है 30 नंबर, देखिए 30 नंबर प्रश्न है, नेत्र रोग का चिकित्सक, दोस्तों नेत्र रोग का चिकित्सक यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है। दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा ऑप्टिशियन हो जाएगा, ऑप्टिशियन। ठीक है, ऑप्टिशियन स्टूडेंट्स का राइट आंसर हो जाएगा। नेत्र का रोग दूर कैसे किया जाता है, चश्मा लगाकर। ठीक है, चश्मा को इंग्लिश में ऑप्टिक्स कहते हैं, इसलिए दोस्तों नाम भी इसी प्रकार से देख लीजिए, ऑप्टिशियन उसको बोला जाता है जो नेत्र का रोगों को दूर करते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, पानी जनित रोग निम्नलिखित में से कौन है, पानी जनित रोग निम्नलिखित में से कौन है। दोस्तों क्या देखिएगा, टाइफाइड है, टाइफाइड है, टाइफाइड ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, लाइकेन मिश्रित जीव है, लाइकेन मिश्रित जीव है जो बने होते हैं। दोस्तों देखिएगा
कवक एवं शैवाल से, ठीक है, कवक एवं शैवाल से बने होते हैं, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। लाइकेन जो बनता है तो वो कवक एवं शैवाल के दोनों से मिश्रण से बनता है, ठीक है। अगला है कुनेन प्राप्त किया जाता है, दोस्तों कुनेन प्राप्त किया जाता है सिनकोना से, ठीक है, सिनकोना से। डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा आप लोगों को, ठीक है, जेटेड में ये सारे प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न है, अगला है आम का वैज्ञानिक नाम है दोस्तों, देखिएगा आम का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है मैगीफेरा इंडिका, ठीक है, मैगीफेरा इंडिका। देखिए आम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैंगो बोलते हैं ना, MANGO, मैंगो। तो मैंगो से मैं आ रहा है उच्चारण में, इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं रिलेट करके, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35, कोशिका में राइबोसोम का कार्य है, कोशिका में राइबोसोम का कार्य दोस्तों देखिएगा वो कार्य है प्रोटीन संश्लेषण में मदद करना, प्रोटीन संश्लेषण में मदद करना, ऑप्शन नंबर डी। अगला है एक मानव अंडाणु में क्रोमोसोम की संख्या क्या है, क्रोमोसोम की संख्या क्या है, दोस्तों 23 है, ठीक है, 23, ऑप्शन इसका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक मानव अंडाणु में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है दोस्तों, कितना जाएगा 23 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न है, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न है दोस्तों, ये हो जाएगा कोशिका भित्ति, ठीक है, कोशिका भित्ति। यहाँ प्रश्न बोल रहा है कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका, ठीक है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न दोस्तों, देखेगा कोशिका जो भित्ति होता है दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ पादप में पाया जाता है लेकिन जंतु में नहीं पाया जाता है, इसलिए तो अलग हो गया, भिन्न हो गया ना, ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट वाला प्रश्न, कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह किसके द्वारा होता है, कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह दोस्तों डीएनए के द्वारा होता है, डीएनए, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कोशिका का शक्ति गृह यानी पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है दोस्तों, देखिएगा माइक्रोकॉन्ड्रिया कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल दोस्तों माइक्रोकॉन्ड्रिया कहा जाता है, ऑप्शन का बी वाला राइट आंसर, ठीक है, इसी को पावर हाउस भी कहा जाता है ना। अगला है किसे आत्महत्या की थैली कहते हैं, काफ़ी आसान प्रश्न है ये, काफ़ी बार रिपीट भी होता है ना दोस्तों, लाइसोसोम को कहते हैं आत्महत्या की थैली, ऑप्शन का सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप मातृ कोशिका में कितनी पुत्री कोशिका का निर्माण होता है, मातृत्व कोशिका से कितनी पुत्री कोशिका का निर्माण होता है दोस्तों, दो होता है, ठीक है, दो। अगला प्रश्न है अर्धसूत्री विभाजन होता है दोस्तों, देखिएगा अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है ना, जनन कोशिकाओं में, ऑप्शन नंबर बी। अगला है निम्न प्रजातियों में कौन रोडेंट है, निम्न प्रजातियों में कौन रोडेंट है दोस्तों, देखिएगा वो हो जाएगा चूहा, ठीक है, चूहा जो ऑप्शन नंबर सी वाला जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है, मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है तो दोस्तों केचुआ जाएगा, लोग सुने होंगे केचुआ किसान का क्या होता है, मित्र होता है, बुक में आप लोग पढ़े होंगे 6-7 का बुक में केचुआ दोस्तों वो होता है किसान का दोस्त। अगला है निम्नलिखित में से कौन पशु संतान के रूप में जन्म देता है, निम्नलिखित में से कौन पशु संतान के रूप में जन्म देता है दोस्तों, पशु संतान के रूप में तो घोड़ा भी देता है, बाघ भी देता है, चूहा भी देता है, ठीक है, ये सभी हो जाएगा, इसका अंडा तो नहीं देता है, सीधे पशु ही पैदा करता है यानी पशु संतान के रूप में पैदा करता है, ठीक है। अगला है
मोती, मोती का निर्माण होता है, एनी पेरल्स मोती का निर्माण होता है। दोस्तों मोती का जो निर्माण होता है वो मोलस्का द्वारा होता है, ठीक है, मोलस्का द्वारा। मोलस्का देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, मोलस्का ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अगला है, अंडा देने वाला स्तनधारी है दोस्तों, तो अंडा देने वाला स्तनधारी क्या है वो दोस्तों, अंडा देने वाला स्तनधारी वो जाए दोस्तों प्लेटीपस या प्लेटिप्स, है ना, प्लेटिप्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है, टेंडन जोड़ता है, टेंडन जोड़ता है दोस्तों, देखेगा टेंडन जोड़ता है पेशी की हड्डी से, पेशी यानी पेशी को हड्डी से कह सकते हैं, पेशी को हड्डी से ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, हड्डी में कौन सा प्रोटीन होता है दोस्तों, हड्डी में ओसिन, ओसिन प्रोटीन होता है दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा हुआ, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये दोस्तों ये प्रश्न पूछा हुआ है। अगला प्रश्न है, ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, ब्लड बैंक किसे कहा जाता है दोस्तों, ब्लड बैंक कहा जाता है स्पलिन या पलिहा को, ऑप्शन नंबर जो है ए वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अगला प्रश्न पे, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 51, मानव शरीर में रक्त को साफ करने का कार्य कौन करता है, मानव शरीर में रक्त को साफ करने का कार्य कौन करता है दोस्तों, ये देखिएगा फेफड़ा करता है, कौन करता है, फेफड़ा करता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 52 नंबर, निम्नलिखित रक्त समूहों में कौन सा यूनिवर्सल डोनर है, यूनिवर्सल डोनर कौन है दोस्तों, तो वो हो जाएगा ओ ग्रुप वाला, इसी को सर्वदाता भी कहा जाता है, ठीक है, सर्वदाता भी कहा जाता है इसी को, ठीक है, तो ओ ग्रुप हो जाएगा, ओ ब्लड ग्रुप वाला, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, सामान्य रक्त समूहों में से कौन सा समूह यूनिवर्सल रेसिपिएंट जाना जाता है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट जाना जाता है तो देखिएगा ब्लड ग्रुप ए बी, ठीक है, ब्लड ग्रुप ए बी। अगला प्रश्न है, आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है, आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है दोस्तों, देखिएगा क्रोमग्न मानुस, क्रोमग्न मानुस ऑप्शन का जो हो जाएगा 54 का बी वाला राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगला नंबर 55 नंबर है, एक संकर या क्रॉस में फिनोटाइप अनुपात है, एक संकर या क्रॉस में फिनोटाइप अनुपात दोस्तों, तो देखिएगा 3:1 हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर देखिए 56, द्विव संकरण क्रॉस में फिनोटिक अनुपात है, द्विव है ना, यहाँ पर होगा द्विव में रहा होगा, यहाँ द्विव वो यहाँ होगा, इधर से होगा, इसको हटा दीजिए, ठीक है, हाँ बताइए, द्विव संकरण क्रॉस में फिनोटिक अनुपात है दोस्तों, फिनोटिक अनुपात का बात कर रहा है, देखिएगा हो जाएगा 9:3:3:1 हो जाएगा, ऑप्शन क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा 56 का। अगला प्रश्न मैं सुनता हूँ, अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है दोस्तों, अनुवांशिकी का पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है, क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, खट्टे खाद्य पदार्थ में क्या होता है, खट्टे खाद्य पदार्थों में क्या होता है दोस्तों, याद रखेगा इसमें होता है विटामिन सी, खट्टे खाद्य पदार्थ में विटामिन सी ना होता है, जैसे नींबू सब देखिएगा। अगला है, मानव शरीर में रक्त की मात्रा लगभग है,
दोस्तों मानव शरीर में रक्त की मात्रा लगभग 65% है। 65% ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर है, सबसे अधिक आयरन किसमें पाया जाता है? दोस्तों सबसे अधिक आयरन हरी पत्ती वाली सब्जी में पाया जाता है, हरी सब्जी वाली पत्ती में पाया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत दोस्तों, प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है सोयाबीन में। ठीक है, किस पाया जाता है? सोयाबीन पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, विटामिन डी की कमी से होता है? दोस्तों विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है, सूखा रोग होता है, रिकेट्स होता है ना। अगला है, एस्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी कारण होता है? एस्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी कारण होता है? तो वो होता है दोस्तों विटामिन सी के कारण, इसलिए उसको हम लोग खट्टा पदार्थ खाना चाहिए। ठीक है, थोड़ा बहुत। अगला है, पपीता में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? पपीता में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? दोस्तों पपीता में पाया जाता है विटामिन ए, विटामिन ए पाया जाता है। अगला है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि दोस्तों जिगर हो जाएगा, सबसे बड़ी ग्रंथि दोस्तों जिगर हो जाएगा, क्या जाएगा? जिगर हो जाएगा, लिवर भी कहते हैं इसको ना इंग्लिश में। अगला प्रश्न है, थायराइड क्या है? थायराइड क्या है दोस्तों? थायराइड एक प्रकार का हार्मोन है। ठीक है, हार्मोन है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 67, इंसुलिन का स्राव होता है दोस्तों? देखिएगा, इंसुलिन का स्राव कोशिका द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है दोस्तों? कोशिका के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इमरजेंसी हार्मोन कहलाता है दोस्तों? इमरजेंसी हार्मोन दोस्तों, इमरजेंसी हार्मोन कहलाता है इपिनेफ्रिन को, है ना, इपिनेफ्रिन कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, निम्न में से किसे दुग्धजनक हार्मोन कहा जाता है? दुग्धजनक हार्मोन कहा जाता है दोस्तों, लैक्टोजेनिक हार्मोन का इसी को कहा जाता है। ठीक है, और इस क्वेश्चन का पहला राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर देखिए 70, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? ठीक, तो मानव शरीर में पाचन का अधिकांश जो भाग होता है वो छोटी आंत में संपन्न होता है, छोटी आंत में संपन्न होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम लोग फाइनली 70 तक पहुंच गए हैं, हम लोग को पहुंचना है 100 तक। ठीक है दोस्तों, एक बार हम फिर आप लोग को बोल रहे हैं, अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज सभी को वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल में पहली बार आए होंगे तो दोस्तों चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तभी आप तक आने वाला वीडियो सबसे पहले पहुंचेगा। इसके बाद फिजिक्स भी आने वाला है, ठीक है, केमिस्ट्री भी आने वाला है, यहाँ तक CDP भी आएगा, ठीक है, CDP भी आएगा, मैथ्स भी आएगा, ठीक है, मैथ्स भी आएगा, हिंदी भी आएगा, है ना, हिंदी भी आएगा, इंग्लिश भी आएगा, सारे सब्जेक्ट दोस्तों हम शॉर्ट वीडियो लाएंगे। ठीक है, शॉर्ट वीडियो जिसमें हम 100+ प्रश्न बताएंगे बहुत ही कम समय लेकर। ठीक है, तो आप तक तभी पहुंचेगा जब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रखेंगे। दोस्तों पास होने के लिए सफिशियंट हो जाएगा, पास होने के लिए इतना प्रश्न काफ़ी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आते हैं। अगला है, एक सेकंड, यहाँ पर इसी को लीवर बोलते हैं ना, लीवर इसी बोलते हैं, बताइए भोजन का पाचन किसमें प्रारंभ होता है? भोजन का पाचन किसमें प्रारंभ होता है? जिस दोस्तों भोजन का पाचन मुंह से ही प्रारंभ हो जाता है, इससे हम लोग खाना खाते हैं और मुंह से ही पाचन शुरू हो जाता है। अगला है, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? किस भाग में पित्त का निर्माण होता है दोस्तों? देखिएगा, यकृत में होता है, यकृत। अगला है, स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है
स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है दोस्तों, तो वो हो जाएगा इमाइलेज जाएगा, ठीक है इमाइलेज। ऑप्शन क्वेश्चन का बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं 74 नंबर, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, देखिए सबसे बड़ी हड्डी हो जाएगा दोस्तों फीमर, सबसे बड़ी क्या जाएगा फीमर हो जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, विकसित होने पर मनुष्य में कुल हड्डियों की संख्या है दोस्तों, विकसित होने के बाद का बात कर रहा है, ठीक है विकसित होने का बाद उसको लास्ट कितना होता है, लास्ट कितना होता है दोस्तों 208 होता है, ठीक है 208 विकसित होने पर मनुष्य कुल हड्डियों की संख्या 208 होता है और 206 भी लिखा रहता है, ठीक है इसका आंसर 206 ही मानिए आप लोग। कुल हड्डी संख्या कितना होता है विकसित होने के बाद, पूरा सब कुछ विकसित है उसके बाद हड्डी संख्या कितना बचेगा लास्ट में 206 ही बचेगा, ठीक है। और बच्चा में कितना होता है 300+ होता है, यानी 306 के आसपास मान लीजिए इतना हड्डी बचपन में होता है, और पूरा पूरे विकसित होने के बाद 206 हड्डी ही बचता है, ठीक है आपस में सारा हड्डी जुड़ जाता है और हड्डी की संख्या कम हो जाता है। अगला है, सबसे छोटी हड्डी है, सबसे छोटी हड्डी है दोस्तों देखेगा, सबसे छोटी हड्डी है स्टेप्स, ठीक है जो कान में पाया जाता है, ठीक है कान की हड्डी। अगला है, रक्त, ये लाल रक्त कण का निर्माण होता है दोस्तों, लाल रक्त कण का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, अस्थि मज्जा में होता है, ऑप्शन नंबर बी पहला। अगला है, श्वसन एक प्रकार का है दोस्तों, श्वसन एक प्रकार का मंद दहन है, ठीक है श्वसन एक प्रकार का मंद दहन है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, मनुष्य में स्वर यंत्र को कहते हैं, मनुष्य में स्वर यंत्र को कहते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं लैरिक्स, लैरिक्स कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन का पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, श्वसन एक मिनट में होता है दोस्तों, श्वसन एक मिनट में लगभग 14 से 16 बार होते हैं, यानी 14 से 16 बार हम लोग एक मिनट में सांस लेते हैं नॉर्मली, ठीक है बाकी आप दौड़ेंगे कुछ काम करेंगे तो समय और भी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है एक एवरेज देखा जाता है इतना सा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, मनुष्य के हृदय की सामान्य संपादन गति प्रति मिनट है, संपादन गति प्रति मिनट है, प्रति मिनट दोस्तों कहेगा 72 बार, यानी एक मिनट में 72 बार दोस्तों हृदय धड़कता है यानी दिल धड़कता है। अगला चलते हैं, हृदय की दशा को कौन नष्ट करता है, हृदय की दशा को कौन नष्ट करता है दोस्तों देखिएगा, ईसीजी, ईसीजी दोस्तों नष्ट करता है। अगला है, सबसे बड़ी धमनी है दोस्तों देखिएगा, सबसे बड़ी धमनी है वह है महाधमनी, नाम भी देखिए महाधमनी, सबसे बड़ी धमनी, धमनी क्या कौन है दोस्तों तो महाधमनी। अगला है, देखिए ब्रिक की इकाई है, ब्रिक की इकाई है दोस्तों, ब्रिक की इकाई है नेफ्रॉन, ठीक है नेफ्रॉन ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 85, कपाल तंत्रिकाओं यानी स्पाइनल नर्वस की संख्या मनुष्य में कितनी होती है, मनुष्य में कितनी होती है तो 31 जोड़ी होता है, 31 जोड़ी ऑप्शन का बी राइट। 31 जोड़ी कहने का मतलब क्या है, संख्या कितना होगा 62 होगा, जोड़ी में 31 है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 86 नंबर, प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र है, प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र दोस्तों देखेगा, प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र स्पाइनल कार्ड है, स्पाइनल कार्ड ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, तंत्रिका की इकाई है दोस्तों देखेगा, तंत्रिका की इकाई है न्यूरॉन, न्यूरॉन ऑप्शन नंबर ए। अगला है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है दोस्तों, किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर, रेटिना पर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, अंडांग यानी दोस्तों अवम में क्रोमोजोम की संख्या होती है, क्रोमोजोम की संख्या होती है दोस्तों, क्रोमोजोम की संख्या होती है
कितना होता है? संख्या 23, 46 या 44 या 10 क्या होता है? चलिए इसका आप लोग कमेंट बताइएगा, ठीक है? कमेंट में एक बताइए तो एक ही दे रहे हैं हम। चलिए अगला हम लोग आते हैं। मुकुलन द्वारा किसमें जनन की क्रिया होती है? मुकुलन द्वारा किसमें जनन की क्रिया होती है? इसको तो क्या हाइड्राम होता है, हाइड्रा में। अगला है, निम्न में कौन द्विलिंगी है? कौन द्विलिंगी है? तो है दोस्तों केंचुआ, पहला आंसर हो जाएगा। अगला है, माँ के गर्भ में बच्चा पोषण ग्रहण करता है? दोस्तों माँ के गर्भ में बच्चा पोषण ग्रहण करता है प्लेसेंटा से, ठीक है, प्लेसेंटा से। अगला है क्वेश्चन नंबर 93, फलों का अध्ययन कहलाता है? दोस्तों फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी, पोमोलॉजी। अगला प्रश्न है 94 नंबर, निम्नलिखित में डेंड्रोलॉजी कहलाता है? दोस्तों डेंड्रोलॉजी कहलाता है झाड़ियों का अध्ययन को, झाड़ियों का अध्ययन को, ऑप्शन नंबर डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 95, निम्न में से सबसे छोटा जीव है? सबसे छोटा जीव है दोस्तों वो है माइक्रोप्लाज्मा, माइक्रोप्लाज्मा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलते हैं कहलाते हैं? दोस्तों कहलाते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु, नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, नाइट्रोजन यौगिकीकरण में निम्नलिखित में कौन सी फसल सहायक है? नाइट्रोजन यौगिकीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी फसल सहायक है? तो है दोस्तों चावल, वह है चावल, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? दोस्तों इसका जो कार्य होता है वो होता है ऑक्सीजन का अवशोषण करना, ऑक्सीजन का अवशोषण करना। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? दोस्तों तपेदिक होता है, तपेदिक, ये रोग दोस्तों बैक्टीरिया से होता है। अगला है और ये आखिरी प्रश्न है हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? दोस्तों देखिएगा, हैजा होता है, हैजा जीवाणु के कारण होता है। तो दोस्तों आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है? अगर पसंद लगा होगा तो दोस्तों सुधीर क्रिएटिव क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है? ताकि अभी इसके बाद जो भी वीडियो अपलोड करेंगे सारा वीडियो आप तक पहुंच पाएगा, ठीक है दोस्तों? तो ये हम जितना भी 100 प्रश्न आप लोग कराएँ, 100 प्रश्न जो भी हम कराएँ दोस्तों, आप लोग एग्जाम के लिए सफिशियंट है, खास करके बायोलॉजी के लिए, ठीक है? इस बार हम वीडियो लेकर आएंगे फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, ठीक है? सारे सब्जेक्ट का वीडियो आएगा, तो आप लोग कमेंट करके बोलिएगा कि आपको किसका वीडियो पहले चाहिए, ठीक है? और कौन कौन सा सब्जेक्ट चाहिए ये भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।